हेलो फ्रेंड दोस्तों, सीएलकम में किसी के प्यार की धमाकेदार एपिसोड के अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर है, जहां पर विराट मनाने पहुंचा है सई को और सई उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सई को मनाने पहुंचा है और विराट यहां पर पहले तो सई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है उससे और कहती है कि मुझे कोई बात बात नहीं करनी है आपसे, आपको तो मेरी परवाह पड़ी ही नहीं है। और विराट इसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। पुलकित और देवयानी सभी घरवाले मिलकर सई को समझाते हैं कि विराट सच में तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। यहाँ तक कि अश्विनी भी उसे कॉल करके समझाती है कि सही तुम्हें विराट से ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन सही इतना ज़्यादा नाराज़ है विराट से कि वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती और उसका बिचारी का सही मन नहीं लग रहा होता और विराट को वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। बट वो अपने ईगो में और विराट से नाराज़ होने की वजह से विराट को बिल्कुल कॉल नहीं करना चाहती और ना उससे बात करना चाहती। और तब विराट मनाने आता है तो वो उसके साथ मस्ती करता है और उसकी बुक्स के साथ में कहता है और कहता है तुम वड़ा पाव पे मेरा गुस्सा क्यों निकाल रही हो, क्योंकि वो वड़ा पाव खा रही होती है और वहाँ पर वो भी उसके लिए वड़ा पाव ही लेकर आता है उसे खुश करने के लिए। तो वो ये सब देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसको उस पर गुस्सा आता है कि विराट पर कि अच्छा अब आपको वक्त मिल गया और आधी रात को आप यहाँ पर क्यों आए हो, और आधी रात को विराट सई को मनाने पहुँचता है। तो ये सब कुछ देखकर सई एक बार उसके ऊपर नाराज़ तो होती है, लेकिन विराट कहता है मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तो वो जैसे हमेशा ही होता है, विराट उसे एक दूसरे को हाथों से खाना खिलाते हैं और सई को मनाने के लिए विराट बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने वाला है। अब यहाँ पर विराट और सई दोनों एक बार फिर से एक होने वाले हैं और विराट सई से वादा करेगा कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसका वादा वो जिंदगी भर के लिए निभाएगा और वो किसी और से प्यार नहीं करता, वो सही से ही प्यार करता है। वो सही को अब सही यहाँ पर उसके सामने एक शर्त भी रखेगी कि वो कभी किसी और के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगा, और जिस तरह से वो सच्चाई लोगों को नहीं बता रहा, लेकिन वो एटलीस्ट उसे तो सच बताए कि वो इसके दिल में आखिर क्या चल रहा है। तो विराट सच सच बता देगा कि वो सही से ही प्यार करता है, तो फाइनली इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा।